कनेडा विच 700 विद्यार्थियों दे नाल हुई धक्केशाही का मामला हुण सियासी बरूहां ते तूल फड़दा होया नजर आ रहा है। कनेडा पंजाब ते केंद्र सरकारां दी घुमकेरी दे विच उलझे मामले विचाले हुण राज्यसभा मैंबर विक्रमजीत सिंह साहनी दी दलील है कि कनेडा सरकार ने फिलहाल विद्यार्थियों नूं डिपोर्ट करन ते रोक लगाई है अते ए फ्रॉड कनेडा साइड तो होया है। विद्यार्थियों दी कोई गलती नहीं है, इनके लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई जाएगी, उसमें बच्चों के टेस्टिमोनियल होंगे, क्योंकि एक एक बच्चा केस कहाँ लड़ सकता है। और वो जो जजेस हैं वो तो लॉ के मुताबिक जाएंगे कि आप तो इलीगल हैं, आप तो वो फेक लेटर पे आए, वो तो उसका मायोपिक व्यू लेंगे। लेकिन द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर एंड दीज मिस्टर द मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन हैव टू टेक a macro view of the problem. They are victims of the fraud and guilty must be punished. These students are not guilty. इनकी कोई गलती नहीं है। तपावे ही एमपी साहब इस मसले दी जिम्मेवारी दी गेंद कनेडा दे पाले विच सुट रहे ने, ता इधर इमिग्रेशन माहरां दी दलील है कि पूरा सिस्टम इस दे लई जिम्मेवार है। पहला अनडाउटेडली कसूर हैगा एजेंट दा जिन्हें नकली ऑफर लेटर दितियां। सम एक्सटेंट कसूर बच्चों का भी है कि बच्चे अब हर सब कुछ पता है, आपने हर एक प्रोफाइल बारे पता है, हर एक चीज़ बारे पता है जिंदगी दे या दुनिया के नहीं पता, तो आपकी फाइल बारे नहीं पता। बच्चा अवेयर क्यों नहीं सी कि मेरी ऑफर लैटर मैं जेनुअनली वेरीफाई की है कि नहीं की है, या फीस कॉलेज के वीज़ा लगने तो बाद दिती है या कि दिती है, या मैं उत्थे जाके एजेंट ने क्यों किया कि मेरा जो कॉलेज है वो चेंज कर लिता जाए। तीजी जी ड्यूटी बनती है कैनेडियन एम्बेसी की बनती है जो हर एक फाइल में चंगी तरह चैक करते हैं, तो उन्होंने क्यों नहीं चैक किया कि ऑफर लैटर भी जड़िया नकली आ रही हैं। बहरहाल एमपी सानी ने कनेडा विच वसदे अपने लोकां तो भी इस संबंधी मदद दी अपील कीती है, ते दावा है कि सरकार भी विद्यार्थियों दी हर संभव मदद करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।